हे सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लोचनाथ में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि सेट्रिजिन टैबलेट की क्या यूजेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेट्रिजिन टैबलेट को लेवोसेट्रिजिन भी बोला जाता है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना सेट्रिजिन और लेवोसेट्रिजिन 10 mg में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज इसके यूजेस बताने से पहले मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ दिखता कैसा है। तो यार ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसके पीछे लिखा भी हुआ है सेट्रिजिन करके, अगर आप लोग देख पाओ तो। नहीं पॉसिबल नहीं है, एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। ऐसे काले इसमें भी आता है पैकेट में, और ऐसे वाइट में भी आता है। ये देख सकते हो आप लोग, दिख रहा है कि नहीं यार, ये वाला यार जो भी, ठीक है, दिख गया होगा। ओके, और एक और आता है रेक्टेंगल शेप में। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि यार ये गोल गोल आता है, ये दुकानदार तो मेरे को रेक्टेंगल दे रहा है। बस आप लोग को पीछे देख लेना है कि लेवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन 5 mg 10 mg लिखा है कि नहीं। अच्छा, अभी 5 mg और 10 mg के बारे में बता दूँ। अगर आपको जो है थोड़ा 5 mg मतलब थोड़ा छोटा डोज है, 10 mg मतलब थोड़ा बड़ा डोज है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 mg वही लोग ले जो 18 से अबव एज वाले, मतलब 18 से ज़्यादा जिसकी उम्र है, और 5 mg उनको दे जो यार छोटे उम्र के हैं, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि इसको यूज़ कब करना है, ठीक है। तो यूज़ करना होता है इसे जब आप बीमार हो। पैरासिटामोल के साथ आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको खांसी और ज़ुकाम है, रनिंग नोज है, मतलब नाक बहरी हो, ठीक है, और इसको बहुत सी एलर्जीज़ के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ज़्यादातर मतलब इसे एलर्जीज़ के लिए ही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर लोग, लेवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन, आप जो भी कह लो, ठीक है। तो जैसे कि आपको रनिंग नोज है, नाक में इचिंग या बॉडी में कहीं इचिंग, या फिर किसी से एलर्जी है, बहुत से लोगों को जानवरों से मतलब वो हो जाता है, एलर्जी होता है, ठीक है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। जिसके हाइव्स आ जाता है, हाइव्स मतलब कि स्किन पर अगर ऐसे कर दिया तो निशान सा आ जाता है, जिसको रेडनेस होती है स्किन पे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुजली हो या फिर लाल हो जाता है, मतलब खुजाते खुजाते है ना, रेडनेस वगैरह हो जाती है, वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को जो है दोस्तों धूल मिट्टी ये सब जो है थोड़ा एलर्जी होता है, मतलब छींकते रहते हैं, मतलब अगर धूल डस्ट अगर नाक से कहीं घुस जाए तो उन लोग को वो लोग जो है छींकते रहता है, अच्छू 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 करके। अगर आपको अच्छू अच्छू होता है, जैसे खांसी जुकाम हुआ है तो आप स्नीज कर रहे हो, तो आप जो है ये टैबलेट को आप ले सकते हो। और हाँ गाइज, अगर आपके आँखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, मतलब लाल पड़ जाता है, या फिर वाटरी आइज है आपके, और अगर इंची नोज़ या फिर इंची थ्रोट है, तो आप इस टैबलेट को जो है ले सकते हो। ये ज़्यादा इस टैबलेट को जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर आपको हाइव्स वगैरह हो, लाइक अर्टिकेरिया जो होता है, अर्टिकेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाइव्स होता है, ठीक है, डर्माटोग्राफिया वगैरह ऐसा जो बीमार होता है उसमें जो है डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ये जो है उस बीमारी को, अर्टिकेरिया को एकदम से ख़त्म नहीं कर देता, लेकिन कुछ समय के लिए जो है वो रोक देता है इसे। सो गाइज, ये सब थे कि आपको कब मतलब कैसे यूज़ करना है, कौन से प्रॉब्लम में, अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो कौन से प्रॉब्लम में आपको सेट्रिजिन टैबलेट लेना है। तो आपने ये जान लिया कि कब लेना है, कैसे लेना है ये नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लेना है, आप मॉर्निंग में एक ले सकते हो और रात को एक ले सकते हो, मतलब दिन में दो बार ले सकते हो। तो 5 mg जो है 18 से नीचे वालों को दीजिए, और 10 mg जो है 10 साल के ऊपर वाले लीजिए, मैं उनको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि यार ये कैसे रोकता है, मतलब सेट्रिजिन लेने से हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन वगैरह होता है, जो समस्या वगैरह होती है, वो कैसे ठीक करता है। तो हमारे बॉडी में जो हिस्टामिन है गाइज, ये जो टेबलेट है ये हमारे बॉडी में हिस्टामिन के एक्शंस को रोकता है, और गाइज हिस्टामिन की वजह से ही हमारे बॉडी में जो है एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो गाइज, मैं जो हूँ डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं होना, मैंने डॉक्टर की डिग्री की है, लेकिन इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अभी कमेंट में मुझे बोलना डॉक्टर ये नीले सॉरी व्हाइट कलर के कपड़े पहन लिए तो खुद को डॉक्टर समझ लिया, ऐसा नहीं है। तो मेरे को लगा था कि ये बता दूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है, खांसी जुकाम रनिंग नोज स्नीजिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो लोगों को हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।